अब जैसे आपने कहा कि माँ बाप का पढ़े लिखे होना भी जरूरी नहीं सब कुछ, लेकिन ये जो इतने हमारे माशरे में अब इन्हितात होता जा रहा है वैल्यूज का भी, और हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां भी ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और रिस्क टेकिंग बिहेवियर में जा रहे हैं, और इवन अपने सोशल रिलेशंस में उनको रिस्क का पता नहीं होता कि इस बंदे से मिलना मेरे लिए रिस्की हो सकता है, मैं इस सिचुएशन में ना मिलूं या मैं ये सिचुएशन में ना जाऊं। इन रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक तो आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है कि ये चीज़ें इतनी आम हो रही हैं, और इनके लिए इनका कोई सोल्यूशन हो सकता है आम सतह पर, कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आजकल के जो ड्रग्स हैं ये बच्चों में बहुत कॉमन है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, शायद मेरे पास स्कूल के बच्चे आते हैं और वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, हैश ले रहे होते हैं, आइस ले रहे होते हैं। इसमें सिर्फ लड़के नहीं, इसमें लड़कियां भी होती हैं। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये है कि बच्चों को ये प्रोवाइड उनके स्कूल्स, उनकी जो दर्सगाह है वहां से की जा रही होती है। और फिर उनके वालदेन, कुछ वालदेन को खबर होती है, कुछ बच्चों से लाताल्लुक भी है इतना कि वो उनको बेहतरीन स्कूल्स में भेज रहे हैं, बहुत आला तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों से इतने लाताल्लुक हैं कि उनको नहीं मालूम कि उनका बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुका है, उनको नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस तरह की दोस्ती रख रहा है, उनका बच्चा किस तरह के माहौल में उठ बैठ रहा है, उनके बच्चे के ताल्लुकात किस तरह के लड़कों से या लड़कियों के साथ है, उन्हें नहीं मालूम। तो फिर इसमें अगर हम देखें तो वालदेन की अपनी लाइफ है कि वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं अपनी पर्सनल सोशल या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, या अपनी आप कह लें कि जो उनकी आप ये समझ सकती हैं कि वालदेन ने खुद जो अपनी दुनिया है वो उसमें मगन है, बच्चे अपनी दुनिया में मगन है। तो वालदेन को हमने ये शऊर देना है। अब वो शऊर हम उनको मीडिया के थ्रू दें, वो शऊर हम उनको हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे या कुछ इदारे एनजीओ इस पे कुछ ऐसा एक्शन लें कि वालदेन की तरबियत की जाए ना, वालदेन को काउंसिल किया जाए कि आपने, ठीक है आपकी अपनी सोशल लाइफ है, आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन आपका जो मेन कनेक्शन है, जिसका जो आपसे कंसर्न करना है वो आप कर रहे हैं, वो आपके बच्चे हैं, तो आपने अपने बच्चों के साथ अपना कनेक्शन जो है वो मजबूत रखना है। आप अब ये भी अगर हम इस के भी डेप्थ में जाएं तो ये फिर वहीं से बात शुरू हो जाती है कि पहले जो 5 साल हैं उसमें आपने अपने बच्चों को खुद से कितना करीब किया, आपने अपने बच्चों को किस हद तक इस काबिल बनाया कि वो आपसे अपनी हर बात शेयर करें, हर बात में उनकी, बच्चों की अच्छी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, बच्चों की बुरी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। एक नॉर्मल इंसान जो है वो अच्छी फीलिंग्स भी रखता है, बुरी भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। आप ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो इनिशियली जब बच्चा छोटा है, अर्ली चाइल्डहुड है, तो वो अपने बच्चे को कितना खुद से करीब कर रहा है, वो उससे कितनी बातें अपने एक्सपीरियंसेस अच्छे अंदाज में शेयर कर रहा है, और बच्चे से उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी थॉट्स ले रहा है, और वहां से जब वो अपने बच्चे की थॉट्स ले लेता है तो फिर वो अपने बच्चे की रहनुमाई कर सकता है। बच्चों को नहीं मालूम कि हम जो सोच रहे हैं हम सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, ये पेरेंट्स का काम है, उन्होंने गाइड करना है अपने बच्चे को कि ये सोच पॉजिटिव है। आपका बच्चा अगर एक गलत चीज की तरफ भी जा रहा है तो आप उसको सुने, उसको एतमाद दें, उसको सुन के ब्लेम मत करें, उसको क्रिटिसाइज मत करें। एक वालदेन को, मेरा ख्याल है सैयदा वालदेन को अपने बच्चों में ये ट्रेंड बहुत बचपन में ही नजर आ जाता है कि ये मेरा बच्चा नेगेटिव साइड पे होगा या पॉजिटिव, अंदाजा हो जाता है। कहती है ना कि माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे की तबीयत को, फितरत को, नेचर को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ, तो इसका मतलब है वालदेन को पता होता है कि ये हमारा बच्चा कौन सा रुझान रख रहा है, आगे चल के क्या रख सकता है। तो वही सही वालदेन के लिए जरूरी होता है कि कैच करें बच्चे को और फिर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी परसेप्शन देख के उसको गाइडलाइन दें। तो फिर जहां आपको लगे कि आपका बच्चा किसी एरिया ऑफ लाइफ में वीक है, आप उसको
उसी अंदाज में गाइड करें। कभी भी छोटे बच्चे को ब्लेम ना करें, कभी भी छोटे बच्चे को मारे ना, कभी भी छोटे बच्चे पे सख्ती ना करें कि वो आपसे दूर हो जाए, वो आपसे अपने दिल की बात कहते हुए खौफ ज़दा हो, हेजिटेट करे कि नहीं, अगर वालदैन को पता चल गया, मामा को पता चल गया, बाबा को पता चल गया तो खफा हो जाएंगे, वो तो मुझे बंद कर देंगे, वो तो मुझे कोई सजा दे देंगे। हमेशा बच्चे को सुने सुन के, और फिर जब आप देखें कि आपका बच्चा आप एक अच्छे मूड में है तो फिर आप उसको रहनुमाई दें, उसको सही गलत बताएं, वो पॉइंट पे लाए कि जहाँ पे आके फिर आपका बच्चा आपको सुने, उसको पता चले कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात सुनी है। और जहाँ पे आपको लगे कि बच्चा गलत है तो फिर उस गलत चीज के नुकसान से शुरू से ही उसको अवेयरनेस दें, तब से उसको आगाह करते जाएं कि ये चीजें गलत हैं, आगे चल के इनके ये नुकसान होंगे, तो अभी से इनको रोकना है। ये पैटर्न्स हैं। अगर वर्किंग लेडी है एक माँ, तो वो लाजमी वीक में एक दिन दो दिन वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ मीटिंग रखे, बच्चों के साथ आप तफरी पे जाएं, बच्चों को आप फैमिली फंक्शंस में गैदरिंग्स में लेके जाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने रिश्तों की पहचान करवाएं, बच्चों को बताएं कि वो जो आप देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा आउटगोइंग है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल है, और उस सोशल होने में वो बच्चा गलत भी हो जाता है, गलत कंपनी गलत लोग मिल जाते हैं, तो आप बच्चों को स्ट्रेट अवे मना ना करें, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को लाएं। कभी आप अपने किसी फंक्शन में ले जाएं, अपने फैमिली फंक्शन में बच्चों को लाजमी इंट्रोड्यूस कराएं, बिठाएं, ले जाएं, तारुफ करवाएं। ये वो पैटर्न्स होते हैं जो वालदैन को अर्ली एज में सेट करने पड़ते हैं। अक्सर मोहल्लों में भी फंक्शंस होते हैं, तकरीबात होती हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स को चाहिए वहां से बच्चों की सोशलाइजेशन का आगाज करें। स्कूल्स में जो फंक्शंस होते हैं वहां पे बच्चों को भी भेजें भरपूर तैयारी के साथ, खुद भी जाएं। तो बहुत सारे तरीके हैं कि जिन पे छल के वालदैन अगर कोशिश करें तो अपने बच्चों को रहनुमाई दे सकते हैं। ये मेन जो फिर बात आ जाती है वो वालदैन की तरबियत पे आती है कि वालदैन को हम कैसे तरबियत दें, कि उन्होंने बतौर वालदैन अपना रोल किस तरह से प्ले करना है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, कॉलेज जाना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वक्त, वो एक बहुत ज़्यादा टाइम उनका स्कूल और कॉलेज में गुजरता है, और वहाँ पर जो टीचर्स जिस तरह ट्रेन कर रहे होते हैं, उसमें टीचर का रोल और इन इदारों में जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने अब देखा कि स्कूल और कॉलेज में ड्रग के ऊपर बच्चे जा रहे हैं और वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस चीज़ के लिए आप क्या कोई सोचती हैं कि ये कैसे अहमियत है इसकी? तो वाकई कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा। और आप यकीन कीजिए कि अगर हम किसी को रिहैब जाने का मशवरा देते हैं तो लोग बुरा मना जाते हैं, ये एक बहुत बुरी चीज समझी जाती है। यानी आप यहाँ से अंदाजा लगाइए हमारी हम लोगों की सोच का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकती हैं कि वो एक एडिक्टेड बंदे को तो बर्दाश्त कर लेंगे, उसके साथ रहेंगे जो कि मुख्तलिफ नशे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस फर्द के वालदैन को या जो उसके घर वाले अफराद हैं तो उन्हें आप कहेंगे कि आप इसको रिहैब में ले जाएं, इसको ट्रीटमेंट करवाएं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? नहीं जी, हम नहीं ले जा सकते, सॉरी ये नहीं हो सकता। हमारा बच्चा क्या सोचेगा? यानी उनके लिए ये एक्सेप्टेबल है कि बच्चा नशा कर रहा है, और खानदान में भी सबको मालूमात है, आपका जो सोशल सर्कल है सब अवेयर है कि ये बच्चा ड्रग्स ले रहा है। लेकिन अगर हम बेहतरी की तरफ जाने का मशवरा देते हैं तो ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये रिहैब जा रहा है बच्चा। तो ये हुकूमत का काम है, इस पे देखें हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि कैसे प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए तो स्ट्रिक्ट किस्म का लॉ बनना चाहिए ड्रग्स पे, इसको हम इनफरादी तौर पे या घरेलू तौर पे कंट्रोल कर ही नहीं पाते, कर ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में जो मसाइल आ जाते हैं ड्रग्स लेने की वजह से, वो अपने गोल से हट जाता है, वो अपनी लाइफ से हट जाता है, वो अपनी स्टडी से हट जाता है, उसका घर में रिलेशन, बाहर रिलेशन, हर चीज खराब हो जाती है।
तो वालदेन भी अपसेट हो जाते हैं, घर का माहौल भी खराब हो जाता है। वालदेन को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि हम बच्चे का इलाज करें, डॉक्टर्स के पास ले जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। तो वो जिस हद तक कर सकते हैं इकदाम अपने तौर पे करते हैं, लेकिन बेस ये है कि प्रोवाइड कैसे किया जा रहा है। जहाँ किया जा रहा है वहां सबको मालूम है कि यहाँ पे ड्रग्स दी जा रही है, ले जा रही है, तो वो कौन हल करेगा? वो तो अथॉरिटी का काम है। बिल्कुल सही इस कहा लेवल आपने। पे, इस लेवल पे हम एक पर्सनल लेवल पे हम यही सब कुछ कर सकते हैं कि बच्चे को समझाएं, बच्चे को काउंसिल करें। कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं। शुरू में ही जो राह से भटक जाते हैं वो हट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पर्सनैलिटी में इतने डिफिकल्ट होते हैं या उनके खुद के पर्सनैलिटी के इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि उनको ड्रग्स में ही हर कामयाबी, हर अच्छी चीज दिखाई दे रही होती है, और उन पे फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को हम फिर काउंसिल भी करते हैं, ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, ऐसे बच्चों को रिहैब में भी रखा जाता है, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी। तो हर केस डिफरेंट होता है दूसरे केस से। जी आपने बहुत ये अहम बात की है कि जाहिर बात है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की चीज़ें हैं, वो उसमें तो ना पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं और ना कोई साइकोलॉजिस्ट ही कितनी हद तक आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को, लेकिन जो रूट कॉज है उसको तो आप लोग नहीं वहाँ से हटा सकते। तो उसमें तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली काम करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडेंस देना चाहेंगी कि हाउ टू कंट्रोल चाइल्ड एट द स्टेज के वो उस गड्ढे में गिरने से पहले जो बचाने वाली चीज़ होती है उसमें आजकल के जो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें पेरेंट्स कैसे मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये भी आपने बहुत खूबसूरत बात की है। वाकई में कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है, और वाकई में ऐसे केसेस हैं मेरे पास कि जिसमें वालदेन ने बच्चों को बहुत इनिशियल स्टेज पर जो है पकड़ लिया, इसको तो मैं कहूंगी पकड़ लिया, और यकीन कीजिए फिर ये वालदेन को मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगी कि उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी विल पावर और फिर उनकी गाइडेंस, उनका तरीका कि बच्चे को किस तरह से उस सिचुएशन से निकाल रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे ही आप अपने बच्चे में देखें कि थोड़ा सा हट के आपको बच्चा नजर आ रहा है कि उसकी सरगर्मियां मामूल से हटके हैं, कंपनी टाइमिंग सोने जागने के औकात का, तो आप जब इन्वेस्टिगेट करें और आपके इल्म में आए कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो आप बच्चे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एतमाद में लें, एतमाद में लेके उसको अपने तौर पे कुछ अर्सा घर में काउंसिल करें और उसको इस चीज की तरफ लाएं कि हम तुम्हारे इससे निकालेंगे और तुम्हें हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, जज्बात में बह के, गलत कंपनी में बह के, किसी दोस्त के बहकावे में आके अगर तुम इस तरफ चले गए हो तो कोई बात नहीं, पता तो सबको होता है कि गलत चीज है, तो हम तुम्हें निकालेंगे इससे और तुमने निकलना है। तो जब वालदेन कॉन्फिडेंस में लेके, इतमाद में लेके बच्चे को हेल्प आउट करते हैं प्यार से, पोलाइटनेस के साथ, तो बच्चा वाकई में जब उसको लगता है कि हाँ मैंने गलत काम किया है, मेरे वालदेन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे हेल्प आउट करेंगे, तो जो घर का प्यार, तवज्जो और एतमाद होता है ना, वो बच्चे को निकाल देता है इस चीज से। आप बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाएं, आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, आप बच्चे का जहां तक मुमकिन हो, जिस लेवल पे आपका बच्चा पहुंच चुका है उसके मुताबिक उसको हेल्प दें, वो निकल आएगा। और फिर जब वो निकल आए तो फिर उसकी काउंसलिंग जो है वो कंटिन्यू रखें कि वो दोबारा फिर उस तरफ ना जाए। काउंसलिंग एक थोड़ा सा स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आपके काउंसलर ने आपके थॉट प्रोसेस को, आपके माइंडसेट को चेंज करना है, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी लानी है, तो वो टाइम टेकिंग है। प्लस वो डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट है उसके बिहेवियर में या उसकी थॉट में कितनी एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आगे अच्छा रिजल्ट देता है। तो फिर इस चीज पे हम काम करते हैं। बहुत शुक्रिया नताशा शौकत साहिबा आपका टाइम देने का, और इस इंतहाई अहम मौजू पर आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सईदा।